हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कैसे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 11 के साथ, एक इजी सी ट्रिक के साथ। जैसे सपोज हमें एक नंबर है मल्टीप्लाई करना है 12 को 11 से, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को लिख लेना है और 1 और 2 इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। 1 + 2 = 3 इनके सेंटर में लिख देना है, तो हमारे पास आंसर आ गया 12 × 11 132। ऐसे ही हम एक और नंबर को ट्राई करेंगे 15 × 11, तो हमें क्या करना है, 5 + 1 = 6, यहाँ 6 लिख देंगे, 1 और 5 को इसके आगे और पीछे लिख देंगे, तो हमारे पास 15 × 11 का आंसर आ गया 165। 23 × 11 सेम मेथड, 2 + 3 = 5, सेंटर में 5 लिखेंगे और इन दोनों नंबर्स को 2 को 5 के आगे एंड देन 3 को उसके पीछे लिख देंगे, तो हमारे पास ऐसे ही हम कुछ और नंबर्स ट्राई करेंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है 45 × 11, सो अगेन 4 + 5 = 9, हमने लिख दिया 4 और 5, हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे आप देखोगे कि कितनी जल्दी हम 1 और 2 सेकंड्स में किसी भी नंबर का आंसर निकाल लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 6 + 1 = 7, 6 और 1, 52 × 11, 5 + 2 = 7, 5 इसके आगे 7 के एंड 2 पीछे, हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। अब हम थोड़े डिफरेंट सम्स लेते हैं जिसमें हमें कैरी वाले नंबर्स आएँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, 5 + 6, 5 + 6 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 यहाँ लिखेंगे और 1 ऐड हो जाएगा 5 में, तो यहाँ आ जाएगा 6, ये 6 एज इट इज़ यहाँ पे पीछे आएगा, एज इट इज़ पीछे आएगा ये 6। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 95 × 11, अब हमें क्या करना है, 9 + 5 = 14, 4 सेंटर में लिख दिया, 1 9 में ऐड हो गया, तो 9 + 1 = 10, 5 एज इट इज़ पीछे। अगेन एक और नंबर लेते हैं, 84 × 11, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 + 4 = 12, 12 का सिर्फ 2 सेंटर में आएगा, 1 ऐड हो जाएगा 8 में, दैट बिकम्स 9 और 4 एज इट इज़ पीछे लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 924। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ 9 और 7 इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है, 64 × 11, अब 6 + 4 क्या है, 10, तो 0 आप यहाँ लगाएंगे, 1 कैरी 6 में ऐड कर देंगे, बन गया 7 एंड पीछे हमने लिख दिया 4। और ऐसे हमने देखा कि हम किसी भी 2-डिजिट नंबर को बहुत ही इजी वे से, एक सिंपल सी ट्रिक यूज़ करके 11 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अब हम सीखेंगे कि कैसे हम 3-डिजिट नंबर्स, 4-डिजिट नंबर, 5-डिजिट नंबर एंड सो ऑन किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसी ट्रिक के साथ। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक सीखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अब हम लेते हैं 3-डिजिट नंबर। जैसे फर्स्ट मैंने एक नंबर ले लिया 453 × 11, हमें इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। ट्रिक हमारी वही होगी जो हम पहले कर रहे थे कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को लिख के बाकी सबको सेंटर वाले, बाकी जैसे लास्ट में क्या था, वहाँ पे हमारे पास कोई भी रैंडम नंबर था, 36 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 11 से, तो हमने इन दोनों को प्लस किया, मतलब 3 और 6 को तो लिखना था, इन दोनों को ऐड करके सेंटर में। सेम वही ट्रिक यहाँ पे होगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को एज इट इज़ लिख देना है, आपने लिख दिया, अब इनको ऐड करना है इस साइड से। 3 में पहले 5 ऐड करेंगे, 8, यहाँ पे 8 लिख दीजिए, 5 में 4 प्लस करो 9, यहाँ पे 9 लिख दो, तो आपका आंसर आ गया 4983, किसको मल्टीप्लाई करके, 453 को 11 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे हम एक और नंबर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा नंबर है 362, हम 362 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 3 और 2 को एज इट इज़ लिख लेंगे, उसके बाद हम 2 में 6 को ऐड करेंगे, 2 + 6 = 8, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया, 6 + 3 = 9, हमने यहाँ पे 9 लिख दिया, तो ये भी हमारा आंसर आ गया। अब
मैं जल्दी जल्दी से एक नंबर आपको ऐसे करके दिखाती हूँ बिना बोलने कि आपको पता चले कि ये नंबर कितनी जल्दी आप इसको कैलकुलेशंस कर सकते हो प्रैक्टिस से। अब इस नंबर में क्या था, जब हमने देखा कि यहाँ पे 3 + 4 को तो ऐड करके 7 आ रहा है, प्लस 4 और 6 को प्लस करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 10। तो 10 हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, दो नंबर्स 0 लिखेंगे, 1 कैरी ऐड होगी 6 में, तो 6 बन जाएगा 7। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा, अब हमारा आंसर ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 7073। एक और नंबर ट्राई करते हैं हम, सबसे पहले हम ऐसे ही 3 और 9 को लिख लेते हैं। अब इनको ऐड करते हैं, 9 में हम जब 8 ऐड करेंगे 17 आएगा, 7 लिख के 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, सिर्फ 7 लिखेंगे, 1 नेक्स्ट नंबर में कैरी फॉरवर्ड होगा। अब आपको क्या करना है, 8 में 3 प्लस करने हैं, 8 में 3 प्लस करके 11, 11 प्लस 1 12, तो 2 यहाँ पे, 1 कैरी जो बच गई वो किस में जाएगी, इसमें ऐड होगी, तो ये क्या बन जाएगा, 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, 4279। चलिए अब हम करते हैं एक 4-डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई 11 से, तो हमारा 4-डिजिट नंबर है 5434, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 से। चलिए सबसे पहले सेम जो हमने पीछे किया था कि पहले 5 को लिख लेंगे एंड देन हम 4 को लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपल इनको ऐड करना है, 4 + 3 = 7, 3 + 4 = 7, 4 + 5 = 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम एक और नंबर ट्राई करेंगे, अब हमें 9334 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो अगेन हमने 9 और 4 को लिख लिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड किया, 4 + 3 = 7, 3 + 3 = 6, 3 + 9 = 12, 2 यहाँ आएगा और 1 कैरी इसमें ऐड हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, 10, 102674। तो देखा आपने, अब ऐसे आप किसी भी नंबर को, चाहे वो 4-डिजिट नंबर हो, 5-डिजिट हो, 6-डिजिट, किसी भी नंबर को आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम एक 5-डिजिट नंबर को भी ट्राई कर लेते हैं, चलिए हमें सबसे पहले लिखना है 4, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। अब इनको ऐड करते हैं, 4 + 6 क्या है, 10, तो 0 1 0 यहाँ आएगा, 1 कैरी नेक्स्ट में ऐड होगी, 4 + 6 + 4 अगेन 10, 10 + 1 = 11, तो यहाँ 1 आएगा, 1 कैरी फिर से ऐड हो जाएगी, 4 + 3 क्या होता है, 7, 7 + 1 = 8, 3 + 4 = 7, तो ये आ गया हमारा आंसर कि हमने एक 5-डिजिट नंबर को भी 11 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।